तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सर लोग? होपफुली सर लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1065 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे सीधा वीडियो। तो जैसे कि पिछले एपिसोड के आखिरी में आपने देखा ही था कि जो काइडो होता है वो दारू पी के नशे में आ जाता है और नशे में ही लड़ाई कर रहा होता है। अब आगे जो कैसे लगता है वो पूरी तरह से आग लगी होती है, चारों तरफ आग ही आग होती है। और जो राइजो होता है वो पूरी तरह से आग की लपटों में होता है, लेकिन वो जो पैरालिसिस जुत्सु मारो होता है वो छोड़ता नहीं है। और जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी वहीं खड़ा होता है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है सेकंड फ्लोर पे कि जो समुराई होते हैं वो भी आग में फंसे होते हैं, भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो छत होती है वो टूट के नीचे ही गिरने वाली होती है। लेकिन उसी बीच देखने को मिलता है जिनबे, और जिनबे काफी ज्यादा दिनों बाद देखने को मिला है। जिनबे किसी तरह वो छत को रोक रहा होता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से फटाफट निकलो। वो सारे लोगों से शुक्रगुजार होते हैं और वहां से वो निकल जाते हैं। जिनबे जो होता है वो छत को उठा के फेंकता है और आग को देखता है और कहता है कि ये आग इतनी ज्यादा कैसे फैल रही है। बैटल की वजह से तो लोग मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन आग की वजह से भी बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ पे बिग मॉम पागल हो रखी होती है, लोगों पे काटती पीटनी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है चॉपर को। चॉपर को कुछ ना कुछ होने लगता है, वो कांपने लगता है, उसकी बॉडी जो होती है वो शेक करने लगती है। अचानक से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है नेचुरल वाले अवतार में और वो बिल्कुल सही हो चुका होता है। और जो वो साइड इफेक्ट होता है वो सारी चीजें खत्म हो चुकी होती है। हालांकि जो चॉपर होता है वो परेशान होता है अबाउट जोरो, क्योंकि उसने मेडिसिन ले रखी थी, उसकी 30-40 हड्डियां तो वैसे ही टूटी थी, लेकिन जो वो मेडिसिन ली थी उसका इफेक्ट डबल होने वाला था उसके ऊपर, तो यानी कि उसको दर्द बहुत ज्यादा होने वाला है। बस चॉपर ये चाहता है कि वो किसी तरह बच जाए और मरे ना। बाहर दिखाया जाता है जोरो को। जोरो होता है खून में लथपथ, उसका खून जो होता है तेजी से बाहर निकल रहा होता है। वो एक ऐसी जगह पे समन हो जाता है जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, सारी चीज ठंडी पड़ रही होती है। जोरो आँख खोल के ऊपर देख रहा होता है, ऊपर एक गोला सा होता है जो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसमें से ग्रीन रिपर दिखता है जो कि इसकी आत्मा को लेने आया होता है। जोरो देख के उसको थोड़ा सा घबरा जाता है कि आकर इसकी बॉडी भी मूव कर नहीं रही है, क्या वो बच पाएगा कि नहीं। उधर में देखने को मिलता है जो फ्रेंकी होता है उसके सामने बहुत सारे एंबर पायरेट वाले लोग होते हैं जिसको फ्रेंकी हराता है और वो जोरो की तलाश कर रहा होता है। देखने को मिलता है इजो। इजो जो होता है वो लोगों के सामने होता है, उसको एक इंसान आता है उसके पेट में सीधे घुसेड़ देता है, लेकिन इजो एक एक करके सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। इजो की हालत खराब होती है, खून में लथपथ होता है, लेकिन वो किसी भी तरह मूव कर रहा होता है आगे। फिर इजो पूरी तरह से लथपथ होता है, खून में उसके हाथ, उसके पेट, उसके शरीर में से खून ही खून निकल रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह धीरे धीरे टहलता हुआ आगे निकल जाता है। वो बेसमेंट वाले एरिया में चला जाता है और सोच रहा होता है कि नोमोन किकू किसी तरह से यहाँ से बच के बस बाहर निकल गया हो, लेकिन उतने भी देखने को मिलता है जो CP0 होती है उसके पीछे आ जाती है। हालांकि जो CP0 वाला बंदा होता है वो कहता है कि हम इस तरह से प्रिटेंड करेंगे कि हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं है और हम चले जाएंगे। वो दोनों इजो से पास भी हो जाते हैं, आगे निकल भी जाते हैं, लेकिन इजो जो होता है वो इन लोगों को रोकता है। और उसके बाद देखने को मिलता है यामाटो। यामाटो और वो जो आग का बोला होता है वो सीधे बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है। यामाटो को वो कैचअप कर लेता है, आग का गोला नीचे गिरने ही वाला होता है। यामाटो जो होता है अपनी बर्फ की मदद से अटैक करता है और जितने भी बॉम्ब होते हैं उन सबको फ्रीज कर देता है। वो जो आग का गोला होता है वो बर्फ के ऊपर अटैक करने लगता है और धीरे धीरे वो बॉम्ब को जलाने लगता है, लेकिन यामाटो उसी बीच अपने गदा की मदद से अटैक करता है उस फ्लेम के ऊपर और थोड़ा सा उसे पीछे ढकेल देता है। उसको चोटिल जरूर जाता है, वो ओरोचि का नाम लेने लगता है, लेकिन वो यामाटो को अपनी आग में कंज्यूम कर लेता है और यामाटो चारों तरफ से आग में फंस जाता है। उसके बाद दोबारा से दिखाया जाता है परफॉर्मेंस हॉल जहाँ पे जो बिग मॉम होती है वो पीट रही होती है किड और लॉ को। दोनों को ही बुरी तरह से मारती पीटती है और दोनों ही काफी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। दोनों को ही तगड़ा तगड़ा शॉक देता है। जो इनके साथी होते हैं वो सारे परेशान हो जाते हैं, जिसका मजाक बनाने लगती है बिग मॉम, जो तुम लोगों के साथी हैं वो तुम्हारा बिल्कुल भी इज्जत करते नहीं है और तुम एज अ लीडर हार चुके हो। लेकिन जो इनके साथी होते हैं वो सारे के सारे आगे आते हैं, इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो हील कर सके, लेकिन बिग मॉम जो होती है वो गुस्से में आ जाती है, इन लोगों को हरा देती है और फिर ये बात करने लगती है कि ये मूव आउट करेगी बाहर जहाँ पे काइडो है, क्योंकि अभी तक पता चला नहीं है कि काइडो जीता है कि नहीं जीता है, तो ये लोग ऊपर जाने लगते हैं। और जो चॉपर होता है एज अ डॉक्टर वो ट्रीट करने जाने वाला होता है किड और लॉ को, आगे मूवी कर रहा होता है। और जो बिग मॉम होती है वो छत से बाहर जाने वाली होती है, लेकिन तभी लॉ उठता है और लॉ बोलने लगता है कि बैटल फील्ड पे तू अपना बैग दिखा के आगे बढ़ रही है। फिर वो अपने रूम का इस्तेमाल करता है, अपनी तलवार पे एनेस्थीसिया लगाता है और सीधे जो तलवार होती है वो बिग मॉम के अंदर घुस जाती है। उसके हाथों से मूव होते हुए वो उसके गले से मूव होते हुए उसके मुंह के अंदर पूरी घुसी रहती है, जिसको देख के जो उसके साथ वाले लोग होते हैं वो सारे के सारे शॉक होते हैं। और जो लॉ होता है वो इस्तेमाल करता है शॉक वाइल्ड, जिससे शॉक लगता है बहुत ही तगड़ा बिग मॉम को और वो आसमान से नीचे गिर जाती है। फिर वो जो मेटल की चीजें होती है वो अटैक करने आ रही होती है लॉ की तरफ और बिग मॉम की तरफ
बढ़ती हैं, लेकिन उतने में किड भी खड़ा हो जाता है और अपने मैग्नेट की मदद से उन सारे ही पोल्स को अपनी तरफ पोल करने लगता है। बिग मम कह रही होती है तो क्या अभी भी मेरे साथ फाइट करने वाला है, और अकॉर्ड्स किड तैयार होता है इसे लड़ने के लिए। बिग मम को लगता है ये उसको सड़ चाहता है इसलिए इतना बुरी तरह से लड़ रहा है, लेकिन किड कहता है कि नहीं, मेरा इस समय रीजन थोड़ा सा अलग है तुझसे लड़ने का, मेरा पर्पस अलग है और मैं उसी पर्पस से आगे ड्राइव कर रहा हूँ। और ये कहता है कि मुझे लगता है कि अब काइडो का भी टाइम आ चुका है, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े से बुल, और बोल रहा होता है इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि डैमेज ना ले किसी भी अटैक से, और वो अपने बुल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करता है और वो आगे मूव करने लगता है। पंग कोरोना डायो बना लेता है और अटैक करता है और सीधे बिग मॉम के पेट में अपनी सिंग को गड़ाता है और उसको लेके आगे रोल करता हुआ निकल जाता है, उसको ले जाता है दीवार में अटकाता है, उस पर अटैक पे अटैक करता है। अब बिग मॉम जो होती है वो बेहोशी की हालत में हो चुकी होती है। किड और लॉ एक साथ चिल्ला रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग तुझे छत पे तो नहीं जाने देने वाले, चाहे हमारी डेथ ही क्यों ना हो जाए। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो भाई बहुत ही बैंगर और कमाल का एपिसोड था ये, देखने में काफी ज्यादा मजा आया और किड और लॉ बैड एस लग रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।